गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और मेरी आज भी वॉइस थोड़ी सी नेजली हो सकती है क्योंकि आज भी मुझे जुकाम ही हुआ है। तो आज मैं एक सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि ये मैंने अपने मम्मी के लिए लिया था। उनको बहुत टाइम से इसकी ज़रूरत थी तो मैंने लिया, उन पर काफ़ी अच्छा असर किया, तो मैं आज आप लोग साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ मैं जब रेगुलर यूज़ के अंदर मैं देखती हूँ कि वो अच्छा काम कर रहा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ग्लूकोज़ामीन के बारे में, या माइन, जो भी आप जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। मेरे पास है जॉइंट एक्सपर्ट का। और पहले हम प्राइस एंड पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज़ के लिए यूज होता है। तो जैसे ये सारे सप्लीमेंट्स इस तरीके की पैकेजिंग के आते हैं, बोतल पैकेजिंग के साथ ही आएगा, एक डब्बा मिलेगा आपको, एयरटाइट डब्बा है ये। 1000 रुपीज़ इसका प्राइस है, बट ये आपको डिस्काउंट पर हमेशा अमेजोन पर बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, या आप इनको इनके वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। बट प्रेफर तो ये करें कि आप अमेजोन से ले लें। 120 कैप्सूल आता है पर डे के हिसाब से, आपको कैसे कंज्यूम करना है मैं आगे बात करूंगी। और 120 कैप्सूल आते हैं, 1000 रुपीज इसका प्राइस है। सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज़ामीन क्या होता है, किस लिए यूज होता है, क्या होता है कि हम मसल्स बिल्ड करने में या हर एक चीज में, पर पूरी सप्लीमेंट्स लेने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन हम अपने जॉइंटों को भूल जाते हैं। जब आगे चल के, या किसी किसी को बहुत ही कम एज में, मेरे हस्बैंड को तो अभी से स्टार्ट हो गया है, आपके ग्रीस की कमी हो जाती है आपके जॉइंटों में, तो आपको वहां पर लचक या फिर दर्द महसूस होने लग जाता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये जो जॉइंट के बीच के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है ग्लूकोज़ामीन, वो होता है एक्चुअली प्रोटीन और शुगर के मिक्स से बना हुआ होता है, जो हमारे जॉइंट के बीच में स्टोर होता है, जॉइंट को रोकने का काम करता है। जब आप चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं कोई भी, तो ये एक्चुअली घुटनों में ज्यादा परेशानी हो जाती है लोगों को, या टखने की तरफ, तो ये वहां पर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बोलता है कि आपके घुटनों में या आपके जॉइंटों में ग्रीस की कमी हो गई है, मतलब, तो आपको क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आपके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और जिससे आपका ये जो दर्द है या ग्रीस की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। जो लोग डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लेना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप ग्लूकोज़ामीन टेबलेट्स ले लीजिए या कैप्सूल्स ले लीजिए सप्लीमेंट के फॉर्म में, तो आपको ये उतना ही असर करेगा जितना कैप्सूल असर करते हैं। जैसे B12 के इंजेक्शन हानिकारक होते हैं, वैसे ग्लूकोज़ामीन है। डायरेक्टली किसी भी चीज का इंजेक्शन लेने से पहले आप उनको सप्लीमेंट से ठीक कर ले तो बेटर होगा खान पान के अंदर। बेसिकली ये वेजिटेरियन लोगों के लिए नहीं होता है क्योंकि जो ये ग्लूकोज़ामीन और जो ये सारी चीजें पाई जाती है, ये सारी जो है एनिमल्स कंटेंट होता है, एनिमल के अंदर ही ज्यादा मिलता। तो उसी जैसे आप चिकन का सूप पीते हैं, मटन सूप पीते हैं, या मटन खाते हैं, फिश ऑयल खाते हैं, फिश की फ्ले खाते हैं, ये सारी चीजों को, उन लोगों को ये जॉइंटों की प्रॉब्लम कम होती है क्योंकि उनको सारी चीजें पूरी मिल रही होती है। बट जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको ये एक्चुअली देख के खाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो सप्लीमेंट इजीली ले सकते हैं। मुझे नहीं पता इसके अंदर कोई वेजिटेरियन सप्लीमेंट है या नहीं है, बट जहां तक मेरी नॉलेज है ये नॉन वेजिटेरियन ही होता है, और यहां पर रेड कलर का आप देख सकते हैं साइन भी है। तो इसको डेली आप 500 mg से 1000 mg तक कंज्यूम कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा एज के हैं, यानी 40+ है, तो वो 1000 mg तक जा सकते हैं। लेकिन आप अगर आपकी कम एज है लेकिन आपके घुटनों में ग्रीस की कमी है, किसी भी एज में हो सकती है, खान पान पूरा मैटर करता है इसके ऊपर, तो आप 500 mg तक इसको ले सकते हैं। दिन में खाना खाने के बाद आप कभी भी इसको ले सकते हैं, रात के टाइम अवॉइड कीजिए, आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, डेली एक। और इस मेरे पास ये आपके जॉइंटों के ग्रीस को बरकरार रखेगा, साथ ही साथ जिनको कब्ज की, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं है तो बाउल मूवमेंट सही नहीं है, उन सभी लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। खाना अच्छे से पचेगा और सारा जो न्यूट्रिशन लेवल है खाने का, जितने भी प्रोटीन के तत्व हैं, सारी जो चीजें हैं, मिनरल्स हैं, वो आपके पूरे शरीर को जा पाएगी। तो ये स्पेशल जॉइंट के लिए नहीं, आपके पेट सिस्टम को ठीक रखने के लिए, कब्ज के लिए, इन सब चीजों के लिए भी खाना ठीक से पचे, सारी जो प्रोसेस है वो अच्छे से होती रहे, अल्सर की प्रॉब्लम ना हो, उन सब में भी ग्लूकोज़ामीन बहुत अच्छा काम करता है बेसिकली। अच्छा, किन लोगों को ये नहीं लेना है, बहुत बार ये रिक्वेस्ट हो जाएंगे, तो ये है प्रेग्नेंट वुमन को नहीं लेना है, बिल्कुल नोनो है। डायबिटीज पेशेंट को ये नहीं लेना है, जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और कोई भी आपको ऐसी फिजिकल कंडीशन है, लाइक आप ऑपरेशन हुआ है आपका, या ये लगा लीजिए आपका कोई इलाज चल रहा है, आप कैंसर पेशेंट है, तो आपको ये नहीं लेना है। आप एक स्वस्थ बंदे, स्वस्थ मतलब आपको जॉइंटों में ही पेन है तो ही आप ले, प्रेग्नेंट वुमन आप बिल्कुल भी ना ले, और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले। तो ये था मेरा जॉइंट एक्सपर्ट के ग्लूकोज़ामीन कैप्सूल्स का। और 120 कैप्सूल आती है पर डे, वन अगर कंज्यूम करते हो भी आपके 2 महीने चलते हैं, अगर आप 2 कंज्यूम करते हैं, आपकी एज बहुत ज्यादा है,
अगर आप केक ज्यादा है तो आप 2 कैप्सूल करेंगे तो आपको 1 मंथ चल जाएगा। बहुत ही इजीली अवेलेबल है, या तो आप अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, बट मैं अमेजोन की लिंक सारी नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप आप सबको कि मेरी ये नॉलेज वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलती रहूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय।